Hello guys, welcome to my channel Comfort Food. This is my second video and thank you all of you for such love and support and advice. In this video, I am going to show you how to make cappuccino and without using machine. All of you love coffee, so please try this recipe at home. Firstly, I am start with, the ingredients are, I am taking 4 tablespoons of sugar just because I am making 4 cups of coffee. 1 tablespoon coffee. Milk is mein hai nahi, iske ye measurement ke hisab se ye 240 ml cup hai. Iske measurement ke hisab se maine 4 cup doodh liya hai. Ab sabse pehle hum doodh ko boil karne rakhte hain. Dekhiye ab humne apna doodh boil karne rakh diya hai. जो कि मैंने आपको बताया 240 ml कप से हमने मेजर करके 4 कप दूध लिया है ये। अब स्टार्ट करते हैं हम अपनी कॉफ़ी बनाना। सबसे पहले हम अपनी शुगर डालेंगे कप के अंदर, जो 4 टेबलस्पून है क्योंकि हम 4 लोगों के लिए बना रहे हैं। आप इसका 1/4 कर सकते हैं अगर आपको 1 कप कॉफ़ी बनानी है। सबसे पहले कप में डाल दीजिए सारी शुगर। उसके बाद ये कॉफ़ी है जो 1 टेबलस्पून है, ये भी 4 लोगों के मेजरमेंट के हिसाब से है। अब इसे बस हमें 1 टेबलस्पून पानी मिलाना है। अब हम इसमें 1 टेबलस्पून पानी डालेंगे, ये देखिए। लेकिन धीरे धीरे डालना है क्योंकि एकदम से सौगी हो गई तो फिर नहीं हो पाएगा इसको कवर। अब इसको मिक्स कीजिए पहले हल्का सा। ये देखिए, ये ऐसा होना चाहिए। अब इसको अच्छे से फैट लेंगे हम लोग। देखिए अब इसकी कंसिस्टेंसी यहाँ तक पहुँची है, लेकिन हमें अभी नहीं करना है। अभी हमें इसको और लाइट कलर करना है इसका, और बहुत ही क्रीमी टेक्सचर होना चाहिए। अभी थोड़ी सी मुझे हार्ड लग रही है तो इसमें बस मैं 1/2 टीस्पून पानी और डालूंगी। बहुत थोड़ा थोड़ा करके डालना है। एक साथ डाल दिया आपने तो आपकी कॉफ़ी बिल्कुल ख़राब हो सकती है, तो इसलिए मैं इसमें से 1/2 टेबलस्पून पानी और डाल रही हूँ इसमें। बस अब इसको दोबारा से हम अच्छे से फैट लेंगे। देखिए इसकी कंसिस्टेंसी अब यहाँ तक पहुँच चुकी है, लेकिन हमें अभी इसको और फैटना है, तो इसको फैटते रहिए। देखिए अब इसकी कंसिस्टेंसी यहाँ तक पहुँच चुकी है, ये काफ़ी हद तक क्रीमी हो चुका है, पर इसको थोड़ा और फैटने की ज़रूरत है। इस स्टेज पर आते आते थोड़ा हार्ड हो जाता है, तो आप चाहें तो 1 टेबलस्पून और पानी मिला सकते हैं, क्योंकि इस लेवल पर आकर ये आपकी कॉफ़ी ख़राब नहीं होगी। लेकिन ज़्यादा पानी मत डालिएगा, थोड़ा थोड़ा ही, जैसे कि हम स्टार्टिंग में डालते आए। और फिर देखिए फिर अच्छे से इसको फैटिए। फैटते रहिए इसको। अब देखिए अब ये ऐसी कंसिस्टेंसी ठीक है हमारी बिल्कुल। आप चाहें तो इसे और लाइट कर सकते हैं थोड़ा और फैटने के बाद। इतने हमारा दूध बॉयल होता है तो इतने हम फैट लेते हैं इसे। ये देखिए अब इसकी कंसिस्टेंसी कितनी अच्छी हो चुकी है। अब ये हमारी बिल्कुल रेडी है। अब देखते हैं दूध उबल गया है या नहीं। देखिए दूध भी एकदम रेडी है। अब है कॉफ़ी को एक साथ मिलाने के लिए। अब इसको डिवाइड कर लीजिए। 1 टेबलस्पून आप दूसरे कप के अंदर डालिए। अब इसको कॉफ़ी के अंदर डालते हैं हम दूध को, और मिक्स करते जाते हैं एक हाथ से। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं हम लोग। 2 सेकंड वेट करेंगे, आप देखिएगा फ्रॉथ एकदम
ऊपर आना शुरू हो जाएगा इसके। अब 2 सेकंड वेट कीजिए बस इसमें, देखिए कितना अच्छा फ्रॉथ आया इसका। ये किसी भी कॉफ़ी शॉप में मिलने वाली कॉफ़ी के एकदम जैसे ही टेस्ट करेगी और उससे भी अच्छी टेस्ट करेगी। सो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए और ऐसी ही अच्छी अच्छी रेसिपीज़ देखते रहिए।